इस फिल्म के पात्र, घटनाएं तथा कथा काल्पनिक हैं तथा किसी भी जात, जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है, और यदि हैं तो वो काल्पनिक है। नूरे हक शम्मे लाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा मुकदमा पहले कभी किसी भी अदालत के सामने नहीं आया जो आज इस अदालत में आया है। मुलजिम विजय सक्सेना ने समाज के मुंह पर ऐसी कालिख पोती है जिसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए ये अदालत मुलजिम विजय सक्सेना वल्द ओंकार नाथ सक्सेना को मुजरिम करार देते हुए 7 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस शहर के और कॉलेजेस की तरह हमारे इस कॉलेज में भी ड्रग्स, गुंडागर्दी और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ वगैरह ने अपने पांव जमा लिए हैं, और अब इस मैनेजिंग कमेटी को 5 लाख रुपया रिश्वत देने की कोशिश की गई है ताकि मिस्टर कोठारी को इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाए और जो कुछ आज तक होता आया है वह आगे भी होता रहे। यह झूठ है, पर आपके पास क्या सबूत है कि ये रिश्वत मैंने दी है? सबूत नहीं है, इसीलिए आप अब तक यहाँ पर बैठे हैं, वरना जेल की चक्की पीस रहे होते। और अब हम सब ने ये फैसला किया है कि आपका नाम प्रिंसिपलशिप से ड्रॉप कर दिया जाए, और अब मैं मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मिस्टर वर्मा को इस कॉलेज का नया प्रिंसिपल घोषित करता हूं। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो सर। गुड लक सर। मुबारक हो, बधाई हो सर। कांग्रेचुलेशन सर। मुबारक हो सर। बधाई हो सर। क्या समझकर तुम यहाँ आए हो कि नटवर लाल जी तुम्हारी आरती उतारेंगे? मैं तुमको तिलक लगाऊंगा।
मैं यहाँ पर तिलक लगवाने नहीं आया हूँ, बल्कि ये जानने आया हूँ कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो नटवर लाल जी का क्या फायदा होता। ये कलयुग है कोठारी, बगैर मतलब के बाप बेटे को 5 रुपया नहीं देता, फिर नटवर लाल जी तुझे क्यों 5 लाख रुपए देते। यार तुम्हारी बात में पॉइंट है। अरे बात में पॉइंट नहीं होता तो नटवर लाल जी कब की मेरी धोती उतरवा देते। अगर तू प्रिंसिपल बन जाता तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स तेरी मुट्ठी में होते और नटवर लाल जी कॉलेज के अंदर स्मगलिंग का अपना सारा माल छिपा सकते थे। स्मगलिंग का माल? हाँ। तो फिर उन्होंने 5 लाख रुपया कम दिया था क्या? देख बे कोठारी, तेरी भलाई इसी में है कि अब तू किसी कोठरी में घुस के छिप जा और तब तक घुसा रहा है जब तक हाई कमांड, मेरा मतलब नटवर लाल जी, अपना नाटक नहीं रचते। समझ गया कि नहीं? मैं समझ गया, मैं चलूं। क्यों? मेरी पैंट खिसक रही है। मेरे डर से इसकी पैंट खिसक रही है। नटवर लाल सामने आ जाएगा तो चड्डी भी उतर जाएगी। अरे अच्छा हो मिस्टर वर्मा प्रिंसिपल बन गए, कहीं वो कोठारी साहब बन गए होते तो कॉलेज को कोठा बना देते। अरे ऐसे कैसे बन जाते? मिस्टर वर्मा तो कितने सीनियर है यार। अरे यार अंदर की बात तुम लोगों को नहीं मालूम? कौन सी बात यार? सुना है शहर के कुछ मशहूर लोगों ने मैनेजिंग कमेटी को घूस देने की कोशिश की थी ताकि मिस्टर कोठारी प्रिंसिपल बन सके। क्यों? बात कर आज क्या? अरे यार अपना वो झुंझुना दिखाई नहीं देता? हाँ गया होगा दूध पीने, रोज इसी वक्त उसका ड्राइवर दूध लेके आता है। अरे यार वो ड्राइवर को तंग क्यों करता है, अपनी मम्मी को इस दाद क्यों नहीं लाता है यार? दूध के साथ साथ उसको मम्मी की भी गोद मिल जाती। क्यों भाई झुंझुने, आज का तेरी मम्मी ने तेरे दूध के साथ ग्राई वाटर भी भेजा था क्या? तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो ना, तुझे बुरा लग रहा है तो तेरी टांग छोड़कर तेरी पैंट खींच ले। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात कहते हुए मुंह में छाले पड़ते हैं क्या? छाले नहीं पड़ते गुरुदेव, बोलने में जरा डिफिकल्ट लगते हैं। देखो पुत्र, मेरे देखने से पहले आप ही देख लीजिए ना, ये आपका शब्द पुत्र मूत्र के कितना करीब है। तुम बड़े उदंड हो। क्या हूँ गुरुजी? अरे तुम्हें कुछ समझाना व्यर्थ है। इसका क्या अर्थ है? प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सुधा देख वो कैलेंडर कैसे चला आ रहा है। कौन है वो? अरे वो इस कॉलेज में फेलियर्स की भर्ती ज्यादा होने लगी है, लगता है इसकी पूरी उम्र इस कॉलेज में पढ़ते हुए ही गुजर जाएगी। ओह शिट। हाँ? इस वक्त हमको लाइब्रेरी में होना चाहिए था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही हूँ ना, लेट्स मूव। चल जल्दी चल, अभी तो लाइब्रेरी जाना है। अरे चल किताब लेकर फिर क्लास अटेंड करनी है, बहुत लेट हो रहा है। इडियट, घर में माँ बहन नहीं है? अरे जिंदगी भर बहनी बनी रहोगी तो क्या इस जवानी का अचार डालोगी? अरे भाई भाई भाई। I'm sorry. Sorry? अबे तेरे सॉरी का मैं टमाटो केचप बनाकर चाट लूं या चिकन पकोड़ा बनाकर खा लूं? हैं? देख क्या रहा बे? हैं? खैरियत चाहता तो झुककर बड़े आदब से मेरी किताबें उठा दे। अगर ना उठाऊं तो हम तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे क्या? कॉलेज में नई भर्ती लगती है? बस यूं समझिए अब आज पहला दिन है। कॉलेज में पहले दिन हमसे जो टकराता है और हमारा शागिर्द बन जाता है, समझ लो कॉलेज में टिक जाता है। चल अब तुझे खास लोगों से मिलाता हूँ। चल अबे ओ मेरा का मोहन, हम तुझे पूरे साल का कोर्स एक दिन में पढ़ा रहे हैं और तू है कि डाउट कर रहा है इस कॉलेज से आउट हो जाएगा? हाँ देख, उस्तादों पे भरोसा करने से ही शागिर्दों को कामयाबी मिलती है।
बड़े खंडर के झरों के टक्कर। तू क्या किसी म्युनिसिपैलिटी के डब्बे वाले स्कूल से आया क्या? तुझे इतनी भी तमीज नहीं? उस्तादों के आगे आगे नहीं पीछे पीछे चला जाता है, समझे? ले मेरी पकड़, किताब पकड़ ले, चल। हाँ मेरे पीछे पीछे आना। इनसे इनसे मिलिए, ये हमारे कॉलेज के परमानेंट प्रेसिडेंट मिस्टर अधिकारी। इस कॉलेज के स्टूडेंट को किसको पास करना है, किसे फेल करना है, सब फैसला यही करते हैं। खुद 3 साल से फेल हो रहे। क्या बोला बे? नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था सर। मैं इनसे कह रहा था कि आप स्टूडेंट दोस्तों से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं कि खुद आगे बढ़ते ही नहीं, बढ़ते कि आप तो आगे बढ़िए। मैं तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ, पीछे हटो। ये है मिस्टर डैनी, जी कंपनी के बॉस। जी मींस गर्ल्स। अगर आपका दिल हिस्ट्री और मैथ से उब गया हो और आपको मौज मजा करनी हो तो आप इनसे मिलिए। इसका बाप यही धंधा करता था और बेटा कर रहा है, ठीक कहा ना सर? अब इनसे मिलिए, मिस्टर धर्मा, BSF यानी के ब्राउन शुगर फोर्स के डॉन। ले बाबा। नो थैंक्स। यस थैंक्स। तेरी तो घंटी बज गई। छोटे बच्चे सीख लेंगे। आजा कबूतर, जल्दी से आ, दोनों मिलकर गुटर को करते। चल मिस्टर धर्मा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं, पढ़ाने आया हूँ। ये तो प्रोफेसर है, गुरु निकला। मैं तुम सब लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। अरे यार, इतिहास पढ़ पढ़ के हम तो बोर हो ही गए हैं, लगता है हमारे बच्चे भी बोर हो जाएंगे। मुझे खुशी हुई कि आपको अपने बच्चों की अभी से फिक्र है। जरा उन माँ बाप की भी फिक्र कीजिए जो अपना पेट काट कर आप जैसी औलादों को पढ़ा रहे हैं। ए मिस्टर लॉरेंस, थैंक यू। ये धुआं कैसा? एक धुआं तो दिल से उठता है, ये धुआं कहां से उठता है मालूम नहीं है। गाना गाना बुरा नहीं है, जरा सुर में गाया कीजिए। अगली बार अपनी किताब उठाइए, पढ़ना है मुझे। Now get out of the class। लेकिन पढ़ना है ना मुझे। I said get out of the class। अभी मंदिर के बाहर गाना पड़ेगा। मरवा दिया। तो आप ही गाकर बताइए ना। मिस थप्पड़ वाली, मैं गाना भी गाता हूं और बजाता भी हूं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, बाहर। हाँ एक बात जरूर बता दूं कि मेरे घर में मां तो नहीं है, लेकिन एक बहन जरूर है और आप ही के पास बैठी है, स्वीटी सक्सेना। क्या तू? कम ऑन, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। राकेश अवस्थी। यस सर। गीता बख्शी। यस सर। काली कालीचरण, ये कौन साहब हैं जिनकी अटेंडेंस पूरे महीने की पहले से लगी हुई है? सर मंदिर में हाजिरी लगाने पुजारी आता है, भगवान नहीं। आप अपने भगवान से कहिएगा कि मंदिर से उनका नाम काट दिया गया है। जब तक इस मंदिर की चौखट पर माथा टेकने नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये
पैकेट किसका है? कौन लाया इसे? ये क्या है सर? ये वो जहर है जिसका इलाज सिर्फ मौत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो शरीफ ज्यादा कौन है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं आखिरी मौका देता हूं। आज आपकी फालतू बकबक की वजह से हमारा बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया है। उम्मीद है कि कल इन सब बातों को भूलकर आप हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए कि आपको इस कॉलेज में भेजा गया है। ओके? अरे भागती कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर, रुक। स्वीटी की बच्ची, मैं क्या किया? क्यों, तूने कुछ नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताया कि वो तेरे भैया है? सॉरी बाबा सॉरी, लेकिन अब एक खास बात बता रही हूँ, भैया अभी तक कुंवारे हैं। क्या मतलब है तेरा? अगर तू हमारे घर दुल्हन बनकर आ जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तेरा मतलब है मैं तेरी भाभी बन जाऊँ? क्यों, क्या खराबी मेरे भैया में? शक्ल से पागल, अकल से दीवाना और बातचीत से आवारा लगता है। आशिक पुकारो, आवारा पुकारो।
बड़ी मुश्किल से तुम तो मिली हो, दिल जला के कहा तुम चली हो, तुमको देखा तो दिल कह रहा है किसी शायर की तुम शायरी हो। जब से तुमसे नजर है मिलाई, तब से मैंने कसम है ये खाई, मैं जीऊंगा तेरी आशिकी में, मैं मरूंगा तेरी आशिकी में। किसी नाम से तो पुकारो, माशूका जानू पुकारो, जानम पुकारो, साजन पुकारो, बालम पुकारो। हमने की है मोहब्बत तुमसे, हम तो मरते हैं तुम पे कसम से, किसी नाम से तो पुकारो, माशूका आशिक पुकारो, आवारा पुकारो, पागल पुकारो, दीवाना पुकारो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वीटी, मेरे कपड़े देना। जी भैया। ले, एक चांस तो तू खो ही चुकी है, अब दूसरे को पकड़ ही ले। दे। कपड़े दो। उससे पहले आपको मुझे माफ करना होगा। किस बात की माफी? उस दिन थप्पड़ वाले भूल की। दरअसल सारी शैतानी इस स्वीटी की थी, इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप इसके भाई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। चलो माफ कर दिया, आप तो कपड़े दो लीजिए। ए, इतना सज धज के कहां से आ रही है? पिताजी। अरे तू तो ऐसे भड़क उठी जैसे आग में घी पड़ गया। आग में घी नहीं पड़ा, माँ के सफेद दूध में बाप ने अपना जहर मिला दिया। अरे भाषण छोड़, अब मेरी बात मान। इसीलिए इसके जीते जी मैंने अपनी माँ का सिंदूर पोंछ कर विधवाओं की ये सफेद साड़ी पहन ली। ये सफेद साड़ी मैं फिर से रंगीन बना दूँ, तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो, गुरबचन जी भले आदमी, उनको अपना दामाद बना। तू जाता है? जाता हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताएगी। वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते साड़ी को। हम और तुम? हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे। और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, अब जल्द से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ
सर गजब हो गया, आप जल्दी चलिए नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेंगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं मुजरिमों का अड्डा है, ड्रग्स गुंडागर्दी क्या कुछ नहीं होता यहाँ पर। और यह सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। ये इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। ये अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। वारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है हाँ? अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिंपल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रुखे रुखे होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है, इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी के आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड साहब को ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है।
जी मैं सुटी का सिटी बजा रही है जी जी मेरा मतलब चाय बना रही है बैठिए ना मैं तो बैठूंगा ही आप बैठिए कहाँ सामने पास में नहीं बैठ सकती पास में क्यों चांद पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है मगर फासले से आग कैसे भड़केगी कौन सी आग वो फायर ब्रिगेड की आग जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है क्या जमाने के आने से नहीं नहीं जिसमें आत्माओं का नहीं जिस्मों का मिलन करना है क्या बक रही हो वही माधुरी ने जो डिंपल के भाई से कयामत के रास्ते पे पका था क्या जूही ने चाय वाले के दिल में पका था पर क्या वही जो आपको बकना है सॉरी मुझे बोलना है अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए जल्दी कैसे बोलूं ठीक है आंखें बंद करके बोलती हूँ I love you. चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे धीरे धीरे पास तेरे आएंगे आके दूर फिर न जाएंगे चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे तुझे हम बनाएंगे धीरे धीरे पास तेरे आएंगे आके दूर फिर न जाएंगे
पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। उस प्रोफेसर ने आपके भांजे को मार मार कर उसके गोल मुंह का ज्योग्राफिया बिगाड़ दिया और आप है कि ऐसे हंस रहे हैं जैसे बहुत दिन बाद इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। नहीं खराती लाल, नहीं, इस घर में नहीं, इस शहर में बहुत दिनों के बाद एक मर्द पैदा हुआ है जिसने हमें ये बताने की जरूरत और कोशिश की है कि चूहा भी कभी कभी शेर बन सकता है। शेर को चूहा बनाने के लिए बब्बर शेर किस दिन काम आएंगे? उस विजय सक्सेना के लिए मेरा बेटा काली ही काफी है। काल का बेटा महाकाल। बाबू, आपने कॉलेज में ताला लगवा कर अपने दोस्तों को तो लॉकअप से छुड़वा लिया, लेकिन आज अगर उस लड़की ने अपना बयान दोहरा दिया तो आपके दोस्त 7 साल के लिए अंदर जाएंगे ही, साथ में आपकी इज्जत भी बीच बाजार में नीलाम हो जाएगी। खैराती, मैं तेरी तरह खैरात में नहीं पैदा हुआ हूं। काली नाम है मेरा, काली। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने इतने धमाके किए थे कि पूरा शहर पैरा हो गया था। आज वैसा ही धमाका काली करेगा। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तूफान को कैसे रोका जाए। बात बढ़ती जा रही है। एक बहुत आसान तरीका है, बढ़ती बात घट जाएगी। He is also right. वो कैसे? मिस्टर सक्सेना मिस्टर अधिकारी से माफी मांग ले और कह दे कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। किस बात की माफी मांगूं? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है सक्सेना साहब, पूरा कॉलेज ये जान चुका है कि आपने अकेले में मौका पाकर सुधा वर्मा का हाथ पकड़ा। जब अधिकारी ने वो देख लिया और आपको लगा कि अब आपका मुंह काला हो जाएगा तो आपने अपनी काली अधिकारी के मुंह पे पोत दी। Shut up, you dirty son of a bitch! Mr. Saxena! सर, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और साथ ही साथ उस मासूम लड़की को भी बदनाम कर रहा है। जी हाँ, ये सारी बातें हमें उस मासूम लड़की ने ही बताई है। आइए प्लीज। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना। शांत हो जाइए। विजय सक्सेना प्लीज शांत हो जाइए। सुधा बेटे यहाँ आओ, आओ आओ बेटे आओ। क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुधा। डरो मत, यहां पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो।
बोलो सुधा। क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की गई वो अधिकारी ने नहीं बल्कि मिस्टर विजय सक्सेना ने की? ये सच है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं, आपका खराब हो गया, वरना इसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते। सर सर ये झूठ है, एक साजिश है मेरे खिलाफ। सुधा को जरूर क्या दुश्मनी है सुधा की आपसे? कोई वजह तो होनी चाहिए, जवाब दीजिए। सर सर मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये... आप जाने या न जाने, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने किए पे शर्मिंदा होइए और मिस सुधा और अधिकारी से माफी मांगिए। नहीं तो सर हम लोग स्ट्राइक कर देंगे, इस कॉलेज को आग लगा देंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उसको ना की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। I hate you, Sudha. I hate you. मैं इसी काबिल हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम अब यहां किस लिए आई हो? मैं बताती हूं, सुधा तुम्हारी दोषी नहीं है। आप दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी दीदी, मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो तुम ही देखो, उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहा ना मानती तो वो मेरे बेटे की इज्जत लूट लेते, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। कौन थे वो लोग? अब मैं ना अपनी बहन की इज्जत खतरे में डाल सकती हूँ और ना ही आपकी जान को। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ सुधा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मजबूर नहीं हूं। ए डमरू। जी साहब। फटाफट दो प्लेट समोसा ला। अभी लाया साहब। स्वीटी क्या हुआ, क्या सोच रही हो, मेरी जगह कोई और आ गया क्या? मजाक छोड़ो विशाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो। ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल। अभी और डमरू। जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, यहाँ फटका मार। लेकिन ये कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ, खाना है तो खाओ नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहला पैसा रख पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी, आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों, दादा बनने की कोशिश कर रहा है हाँ? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो, सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है, अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे और खा सबके सामने, उठा। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है आप कैसे नहीं जानते? कौन सी बात? इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मेरा नहीं बल्कि काली चरण का नाम काट रहे हैं, और काली चरण दूसरों को काटता है, खुद नहीं करता। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले। मिस्टर रिचर्ड,
आज रात को गोल्ड की डिलीवरी आपको सिटी कॉलेज से मिल जाएगी। कॉलेज से? यस मिस्टर रिचर्ड, हम अपना सारा गैर कानूनी धंधा सिटी कॉलेज से ही करते हैं, वहां हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। पुलिस क्या कॉलेज में नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहते हैं, टेंपल्स ऑफ एजुकेशन, और मंदिरों में पुलिस कभी नहीं घुसती है। वेरी स्मार्ट मैन। खराती जी, रिचर्ड साहब को माल की डिलीवरी आज ही दे दो। जी माफी चाहता हूँ सर, लेकिन यह डिलीवरी आज रात को नहीं हो सकती क्योंकि कैंटीन में ताला लग चुका है और यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। किसने किया है? अरे उसी चूंचू के मुरब्बे विजय सक्सेना ने करवाया होगा। आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और वो अपनी माशूका के साथ रंगरेलियां मना रहा होगा। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। आज तूने कालीचरण के एक आदमी को पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियों के सामने भीगी बिल्ली बना दिया।
लेकिन विजय ये कहानी यही खत्म नहीं हो गई, अब शुरू हुई है। अर्जुन, मैं बुजदिलों की तरह नहीं जी सकता। अकलमंदों की तरह तो जी सकता है। मतलब? विजय तू अपने आप को इस लफड़े से दूर रख, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये कहीं तेरी वर्दी ना उतर जाए, तेरी कुर्सी ना चली जाए। तुझे साथ नहीं देना है तो मत दे, लेकिन अर्जुन मैं उनके सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। तुझे क्या लगता है मैंने घुटने टेक दिए? हाँ नहीं दोस्त, तूने अभी तक अर्जुन सिंह को पहचाना नहीं है। ये वर्दी हमें कानून की ताकत जरूर देती है, लेकिन कुछ बंदिशों की बेड़ियां भी पैरों में डाल देती है। अरे विजय, हमारा हौसला, हमारी ताकत सबूत की चौखट पर आकर अपना दम तोड़ देती है और मुजरिम जुर्म करके आराम से हमारे सामने घूमता फिरता रहता है, मुंह चढ़ाता है और हम पर हंसता है और हम कुछ नहीं कर पाते। गवाह और सबूत मिल जाए तो फिर देख कैसे बैंड बजाता हूं। अगर उसकी मां भी शक्ल पहचान लेना तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं, खजूरा सिंह रख देना। ठीक है, फिर मैं चलता हूं मिस्टर खजूरा सिंह। हाँ जिन्हें इतनी रात गए आप अकेले नहीं जा सकते। क्यों? उसका नाम काली है, कब काल बनकर टूटेगा पता नहीं चलेगा। क्या हुआ बेबी, नाचना क्यों बंद कर दिया? नाचो और नाचो। जानेमन, अपने भाई से कह देना कि आज तो मैंने खून से काम चला लिया है, अगर वो नहीं सुधरा तो मैं तेरे होठों का रस पी जाऊंगा, समझे? गुड नाइट अर्जुन। गुड नाइट विजय। अर्जुन, क्या हुआ विजय? सुल्टी, सुल्टी, विजय, सुल्टी, 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 भैया, रिलैक्स, रिलैक्स, सुल्टी, सिर्फ इतना बता दे, ये हालत किसने की है? नहीं विजय, हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स नामर्द नहीं है। यह साबित करने का मुझे एक मौका मिला है, यह मौका मुझसे मत छीन। ठीक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। मिस्टर रिचर्ड्स, ये रहा तुम्हारा माल, ये रहा तुम्हारा मनी, और वो है हथकड़ी। God, पुलिस, काली तुमने बोला था पुलिस इधर कॉलेज में ना ही आएगा। ये हिंदुस्तानी पुलिस है, तुम अगर अपनी माँ की कोक में भी छुप जाओ तो हिंदुस्तान की पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी। अच्छा। उधर जाओ, उस तरफ। Come on!
ले आ गया तेरे बाप का फोन। क्या उठा? देख मत। उठा। हेलो। नटवर लाल है ना मेरा, कालीचरण है बेटा मेरा। तो उसे लेकर यहाँ आ जाओ। ना आया तो मेरा बाप तेरे जिस्म की सारी हड्डियों के टुकड़े करवा कर तेरे घर के सामने फिकवा देगा। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। नटवर लाल है नाम मेरा, लोग प्यार से मुझे नौटी कहते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुम मेरे बेटे के साथ मेरी हवेली पर नहीं पहुंचे तो तेरी हड्डियों को बटोरने वाला भी कोई नहीं होगा। बंदो साले को। समझ जा मेरे पापा। नटवरलाल नमूना सुन लिया? अभी तो पूरी रात बाकी है, कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे की हड्डियां बटोर लेना। जितना भी रुपया चाहिए मिलेगा, लेकिन आज की रात इंस्पेक्टर अर्जुन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। राम नाम सत्य है। अरे बस भी करो भाई अर्जुन, तुमने तो पूरे पुलिस स्टेशन का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया, कुछ हमें भी करने का मौका दोगे या नहीं? फड़के साहब, कोई खास बात है क्या? आज आप टाइम पे भी आ गए और काम करने के लिए कुछ ज्यादा ही फड़क रहे हैं आप। बस यही मार खा गया हिंदुस्तान, हमने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया और आपको लगा हमने आस्तीन में कुछ छुपा रखा है। देख लीजिए हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। फड़के साहब, सफाई वही देते हैं जिनके अपने हाथ खून से रंगे होते हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर करने वाले होगे? अरे भाई हम पुलिस वाले हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं। बड़ी खुशी हुई है जानकर के आप अभी तक पुलिस वाले ही हैं। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट अर्जुन। And very very long night. Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam. Oye, ruko. Arthi, niche rakho. लाश कहाँ है? वही तो ढूंढ रहे हैं। मतलब? मैं बताता हूं, इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर साहब
जल्दी चलूं? बाहर श्रीदेवी आई है क्या? नहीं, खून हो गया है, खून। तो क्या करूं? रो? या दुनिया का आठवां अजूबा मानकर स्टार टीवी वालों को बुलाओ आई? अरे चोरी डकैती लूट मार खून खराबा तो रोज होते रहता है। एक पुलिस ऑफिसर को गुंडों ने मार डाला और आप इसे मामूली बात समझ रहे हैं? अरे मामूली नहीं तो और क्या है, है? हेलो, हाँ मैं अरविंद फड़के, रंजनपाड़ा पुलिस स्टेशन से। जरा इंस्पेक्टर गोखले को बुलाना। देखो ये पुलिस और गुंडों की बैटिंग बॉलिंग तो चलती रहती है, कभी गुंडे मारे जाते तो कभी पुलिस। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जाओ घर जाओ और ऐसे लफड़े में मत फंसो। इसका मतलब आप नहीं चलेंगे? देख नहीं रहे हो, मैं बिजी हूँ, और मेरे वहाँ पहुँच जाने से वो मरा हुआ जिंदा हो जाएगा क्या? गोखले फड़के क्या बोलते है? यार वो तड़ी बार वाले का अभी तक माल नहीं मिला। हाँ नहीं यार, मेरी बीवी रोज मेरी जान खाती है, वही इम्पोर्टेड वॉशिंग मशीन के लिए। ओके ए सामंता फॉक्स, ये तुम्हारे घर का नहीं पुलिस स्टेशन का फोन है। और मैं पुलिस कमिश्नर को ही फोन कर रही हूँ। कमिश्नर को फोन करने आई? तुमने खून होते हुए देखा क्या? हाँ। किसका खून हुआ? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का, गणेश मंदिर के पास। किसने मारा? कालीचरण नाम के गुंडे ने। कालीचरण? ए जर्सी है क्या? पिंडक में मर्डर सोच लिया और चली आई पुलिस स्टेशन। मिस्टर इंस्पेक्टर, ना तो मैं नशा करती हूँ और ना ही ख्याली बातें कर रही हूँ। मैंने अपने अच्छे होशो हवास में कालीचरण को इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का खून करते हुए देखा है। जरा इधर आना। हाँ इधर आ। अर्जुन सिंह ने शाम से इसे लॉकअप में बंद कर रखा है, फिर इसने खून कैसे किया? आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर अर्जुन भैया की लाश तो झूठी नहीं हो सकती ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। कहाँ है लाश मैडम? मैं दिखाता हूँ। काली नाम है मेरा, काली। मैं जिंदों को मुर्दा कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा। बोल। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? जा, छोड़ दिए। जा जा जा। तुझे छोड़ दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है, और आगे भी जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से ही होगा। चल सर, इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं, इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर हैं। थोड़े नहीं, थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर हैं। चलो जी इस तरफ। नटवरलाल नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से नौटी कहते हैं। देख लिया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का अंजाम, हर जगह सूझे हुए हो। फड़के जी सर, तुम पुलिस वालों को जख्म देना आता है, जख्म पर मरहम लगाना नहीं आता। करायती जी सरकार।
ये रही लाल मिर्च सरकार। कैसा लग रहा है मिस्टर विजय सक्सेना? नौटी तुम्हें जान से नहीं मारेगा, तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा कि लोग तुम पर थूकेंगे। कागज और पेन लाओ, जल्दी लाओ, लिखो, जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए। जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि शक्ल से कैसा लगता है लेकिन काम कैसा किया। अरे भैया, अब तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही, भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, साइड हो जाइए प्लीज। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से मिस्टर विजय सक्सेना को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा है। यह रहा मिस्टर विजय सक्सेना का इकरारनामा। कौन है तुम?
खड़े रहो जज साहब, आगे मत बढ़ना। क्या चाहते हो? हालांकि इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने कल सबके सामने मरहूम स्वीटी सक्सेना के बलात्कार के जुर्म का इकबाल किया था, लेकिन अदालत हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इकबाल जुर्म इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने मौत के डर की वजह से किया था। तमाम गवाहों के बयान सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय सक्सेना ने अपनी बहन का बलात्कार किया है, इसलिए मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए विजय सक्सेना को यह अदालत 7 साल कैद की सजा सुनाती है। इंसानों का मुकद्दर तो आसमान पे बैठा भगवान लिखता है, लेकिन आपने मेरा मुकद्दर लिखा है, वो भी जुर्म की स्याही से। आपने फैसला नहीं सुनाया जज साहब, बल्कि मेरे माथे पे ऐसी एक मोहर लगा दी है कि आप कोई भी बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। नटवर नाम है मेरा। मेरे बाहर आते ही तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या डायलॉग मार गया? सर साहब, आप अपने कलम भूल गए थे। लिखो, माननीय महोदय जी, हमें आपकी भेजी हुई एनसीसी की यूनिफॉर्म मिली। लड़कों की यूनिफॉर्म तो ठीक है, लेकिन लड़कियों की यूनिफॉर्म तो इतनी तंग है, इतनी कड़क है कि संदूक खोलते ही गोली अपने आप चल पड़ती है। आपका शुभ चिंतक राजवंश कोठारी। टाइप करके दस्तखत करवाने के लिए अभी आती हूँ। अब तो इस उम्र में सिर्फ दस्तखत ही कर पाता हूँ। जल्दी आना। कौन है भाई? ये प्रिंसिपल का रूम है या पब्लिक का संडास? जब चाहे तब घुस गए। चलो बाहर जाओ, पूछ कर आओ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर तो मैं 7 साल तक था, अब मैं बाहर आ गया। विजय सक्सेना, तुम? हाँ। कभी आए? बैठो ना, बैठो ना।
आपके जेल जाने के बाद तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। हरिद्वार गया, 3 साल तक वहां पूजा पाठ करवाई, तिरुपति गया, वहां जाकर बाल कटवाए मैंने, तभी जाकर मन को शांति मिली है। लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली है। बैठो ना, बैठो ना। मैं यहां बैठने नहीं तुम्हें बताने आया हूं कि 7 साल तक मैं तुम लोगों के बारे में सोचता रहा, आज से तुम लोग मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। नटवर नाम है मेरा। फौरन बदल डालिए, वरना वो आपका नाम क्या, गांव, पता सब कुछ बदल डालेगा। क्या बकवास कर रहे हो कोठारी, होश में तो? वो आदमी कैसे होश में रह सकता है जिसने अभी अभी मौत की शक्ल देखी हो। मौत? कैसी मौत? विजय सक्सेना जेल से छूट गया है। विजय सक्सेना? क्या हुआ साहब? हम अपने गांव मेरठ जाना चाहते हैं। क्यों? हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन तुम्हारी माँ तो पिछले बरस मर गई थी। फिर जिंदा हो गई है, और अगर हम नहीं पहुंचे तो फिर मर जाएगी। क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? नहीं, विजय सक्सेना के आने से सब उल्टा सीधा हो गया, हम तो जा रहे हैं। डॉक्टर असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। लेकिन ये खत लिखकर मुझे यहाँ बुलाया गया है। ऐसा ही एक खत मुझे भी मिला है। डॉक्टर असलम, अरे विशाल, एक खत मेरे पास भी है। एक जैसा खत सबको? लेकिन ये लिखा किसने है यार? मैंने। सर आप? हाँ मैं। जिस आदमी ने इल्म के दिए थे, तुम सबकी अंधेरी जिंदगियों को रोशनी में बदल दिया था, वही प्रोफेसर विजय सक्सेना आज जेल की अंधेरी कोठरी से छूट कर बाहर आ गया है। क्या विजय साहब जेल से छूट गए? राखी वाले एक राखी देना। कौन सी दूं? किसके लिए राखी खरीद रही है बेटी? तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। माँ, कोई भाई ऐसा भी तो होगा जिसकी बहन ना हो, क्यों ना उसे राखी बांधो। ये लो, बांधो राखी। किसको राखी बांधने जा रही हूँ बेटी, जिसे राखी का मतलब तक नहीं मालूम? पर ये कौन है माँ, क्या किया है इसने? इसने वो किया है जो आज तक किसी भाई ने नहीं किया। बहन की इज्जत बचाने के बजाय उसकी इज्जत लूट ली। बेशर्म, अभी तक जिंदा है। नाक वाला होता
तो कब का रेल की पटरी पे अपनी जान दे देता। चल अंदर। नसीब हो मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने सीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। अगर जरा थके हो तो सुनो, खुशी में आप थोड़ा गम भरो, लगाओ घूंट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो और जियो, लगाओ घूंट तुम भी प्यार से, मेरी तरह पियो। सके दिल को टूटता क्या देखते, तुम अमीर हो खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने सीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब। सब ख्याल सब फरेब है, अपनी सुबह न शाम है, तुम अमीर हो खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने सीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। यार परवा क्यों करूं, किसी से यार मैं क्यों डरूं,
इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। ये भला हुआ मिले शराब, वरना कैसे दिन गुजारते। तुम अमीर हो, खुश नसीब हो, मैं गरीब हूँ, बदनसीब हूँ। पी पी के जख्म अपने सीने दो, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। अब हिलो, क्योंकि तूफान सलाखों की कैद से आजाद हो गया है। कौन बोल रहा? अपने बाप का नाम भी भूल गया। कौन? विजय? हाँ, विजय सक्सेना। अपने बीवी बच्चों को जी भर कर प्यार कर ले, क्योंकि बहुत जल्द तेरी बीवी विवाह और तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मेरी फिक्र छोड़ और अपनी सोच, मेरे आदमी तुझे चींटी की तरह मसल देंगे। तुम्हारी चींटियां हाथी के पांव के नीचे आ गई हैं। अब तू उनकी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा, समझा? सदानंद, तुम लोगों ने मेरी बहन को ऐसी मौत मारा है कि उसे कफन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं कफन दूंगा। आज ही कफन खरीद ले, क्योंकि कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा। हमको कमीशन खिलाता है? हमको? ए, हम इसकी तरह कमीशन खिलाए के कमिश्नर नहीं बनाऊं। हमारा नाम है धनिकलाल धुरंधर। उठाओ अपनी अम्मा की दुकान, नहीं तो क्या कहते हैं, एरोप्लेन। हाँ, लटका के हवाई जहाज बनाए दूंगा, समझ गया का? समझ गया। चलो अभी जाओ यहाँ से, उठो। नटवर लाल जी पधार रहे हैं। तू कौन है बे? नटवर या उका लाल? सरकार, मैं तो उनके जूतों की खाल हूँ। तो फिर कान खोल कर सुन ले, ई ऑफिस में कुत्ते दल्ले और चमचों खाना मना है, समझा के नहीं? समझ गया सर, समझ। मैं तो कहता हूँ वापस चलिए, ये तो कोई पागल लगता है। अरे, नटवरला नाम है मेरा। तो क्या करूं, हम अपना नाम बदल लूं? नाम नहीं, अपने काम करने का ढंग बदल गया। ढंग नहीं, हम तो लोगों का रंग बदलता हूँ। बोलो किसका रंग बदलना है? विजय सक्सेना का। तुम में से कौन है? हम लोगों में से कोई नहीं है, हम लोग तो शरीफ आदमी हैं। तुम लोग क्या सराफत का सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमते हो? मैं बताता हूँ, विजय सक्सेना एक सजा याफ्ता मुजरिम है।
जो 7 साल की कैद काटने के बाद काली जेल से आ रहे तो हम अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की कमिश्नर। हाँ तो बोलो। और यहाँ होते ही उसने हमारे इस आदमी को जान से मार डालने की धमकी दी है। ये तुम्हारा आदमी है? तो तुम का इसकी औरत हो? मिस्टर कमिश्नर ए चिल्ला मत, हम कोई कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूँ। विशाल। यस सर। इनका रिपोर्ट लिखो और विजय सक्सेना को फौरन गिरफ्तार करो। सर मैंने आज सुबह ही मिस्टर विजय सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। क्या देखा हमारा डिपार्टमेंट का कमाल, हम कोई कमीशन खिलाकर कमिश्नर नहीं बना हूं। तुम्ही ने मुझे गिरफ्तार किया, अब तुम ही रिहा कर रहे हो। 7 साल से जिस आग में आप जल रहे हैं उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। स्वीटी आपकी बहन थी और मेरी जिंदगी। मैं पुलिस ऑफिसर इसलिए बना कि जिन दरिंदों ने मुझसे मेरी स्वीटी छीनी उनको मैं मिटा सकूं। नहीं, वो मेरे शिकार हैं और किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। सर स्वीटी की मौत के बाद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया था, फिर भी मौत जैसी जिंदगी जीता रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उन्हें खेल खत्म कर सकूं। तो फिर आज और अभी वही खेल शुरू कीजिए सर, जो 7 साल पहले एसीपी फड़के ने कानून का सहारा लेकर आपके साथ खेला था। आज कानून आपके साथ है सर, जाइए और इंसाफ के माथे पर लगे इस दाग को मिटा दीजिए। सदानंद तुम्हारा घर आ गया है? नहीं सर, आज मैं आप ही के साथ रहूंगा। क्यों, आज मेरी बारात जाने वाली है क्या? नहीं सर, बारात तो मेरी निकलेगी, विजय सक्सेना मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि इस वक्त वो लॉकअप में बंद है। फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हवालदार छोड़ देता हूँ। हवालदार जी साहब, तुम आज की रात सदानंद के घर के बाहर पहरा देना। अच्छा। ना ही किसी को अंदर आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना, समझे? ठीक है सर। ठीक है साहब, आओ हवलदार। ओके सर। चलो ड्राइवर। आओ हवलदार, आओ आओ, यहां से जाना नहीं हवलदार। हाँ ठीक है ठीक। तो तुम यहां कैसे आए? मौत कहीं भी आ सकती है। मेरी मौत नहीं, तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई। मुझे बचाने के लिए तो बाहर हवलदार खड़ा है। आज हवलदार तो क्या, तेरा एसीपी डीसीपी कोई भी आ जाए, आज तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। हवलदार। ये क्या कर रहे हो? चुप, चल अंदर चल। लेकिन एसीपी साहब ने कहा था कि ना कोई अंदर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा, मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। सर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आप ही का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हूँ, शिवाजी गायकवाड़। सर इस कुत्ते की औलाद को जैसा चाहिए वैसा हलाल कीजिए, मेरे होते हुए यहाँ आपको ही नहीं आएगा। No!
वही जो 7 साल पहले मुझे करना चाहिए था। मेरी बहन को मारने के बाद चलाया गया था, आज मैं तुझे जीते जी चलाऊंगा। सदानंद के घर में आग लग गई और घर के साथ साथ सदानंद भी जल के राख हो गया। सब ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये आग किसने लगाई है। सर, विजय सक्सेना कहाँ है? सर, वहां लॉकअप में। दरवाजा खोलो। बात क्या है सर? विजय सक्सेना लॉकअप में नहीं है। क्या? जी हाँ, उसने कैंटीन ओनर सदानंद का खून कर दिया है। सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी बताता हूँ, पहले तुम दरवाजा खोलो। चाबी दो। देखा, अब बताइए इंस्पेक्टर विशाल, कहाँ है आपके मिस्टर विजय सक्सेना? मैं यहां हूं। तुम लॉकअप से बाहर क्यों हो? क्या पुलिस स्टेशन में मुतना भी मना है? ये सब एक नाटक है, नाटक ठकोसला है, एक चाल है विजय सक्सेना। तुम्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया है ताकि तुम कत्ल करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कालीचरण को छोड़ा था। What do you mean? मिस्टर फड़के, मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत कर आया हूं, और तुम गुनेगार होकर भी सजा नहीं भुगतना चाहते हो। कानून भले ही तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। तू यहां से जिंदा वापस जाएगा तब ना। मिस्टर एसीबी फड़के, आप अपनी बंदूक अपने खोके में वापस रख दीजिए, क्योंकि ये बेल ऑर्डर जिंदा आदमी की है, मुर्दे की नहीं। आप? यस सर, एडवोकेट रामलखन तिवारी, BA LLB, आपका पुराना चेला। अब खाता हूँ केला, आप खाएंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं केला खाऊंगा।
मसूदा तुम? यस सर, इन्होंने आपकी जमानत दी थी। चलिए सर। थैंक यू विशाल। सर अभी बहुत काम करने, आप बार बार थैंक यू बोलेंगे तो थक जाओगे, एक ही बार थैंक यू बोलना, क्यों विशाल? ठीक का। विजय, बस यही है तुम्हारे बगैर जिए हुए जिंदगी की दास्तान। तुम फिक्र मत करो सुधा, जिन लोगों ने हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुभो चुभो कर जहर भरा है, वही जहर वापस उन लोगों पर उगलना है। लो भैया, खिला दो मुझे आखिरी पान। क्यों, खुदकशी करने जा रहे हो? अरे खुदकशी करने नहीं, मर्डर करने जा रहा हूँ। किसका? जाओ जाओ अंदर, अंदर जाओ अंदर। कहाँ गुस्से चले आ रहे हैं आप लोग? तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। क्यों, क्या किया है हमने? अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल चुका है तुम अपनी बेटी से धंधा करा रही हो। क्या, तुम्हारी भलाई इसी में है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। कौन है वो माइका लाल जो इन्हें यहाँ से निकालेगा? लो, रंडी का भड़वा भी बोला। किस किस की जुबान को तुम रोकोगे बेटा? हाँ हाँ बोलना, क्या कर रहा था तू यहाँ? क्या रिश्ता तेरा इस लड़की से? अब बोलता क्यों नहीं बे? मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। लगने के बाद कितनी देर के बाद होश आएगा? तकरीबन 3 घंटे बाद। और ये जख्म सीने में? सिर्फ 15 मिनट। फिर ये जख्म बगैर बेहोश के सियो, क्योंकि 2.5-3 घंटे में बहुत काम करना है मुझे। लेकिन सर आपको दर्द बहुत होगा। अब तो दर्द सहने की आदत पड़ गई है। चलो अपना काम शुरू करो। इनका चोपर उसके पेट में ऐसा घुसाया कि उसकी सारी हथेलियां बाहर आ गई, समझ लो उसका काम तमाम। अब यहां क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शादी की तैयारियां शुरू। 7 साल से तुम्हारी बक बक सुनकर मेरा भेजा पक गया है चिरौंजी लाल। यही तो मुसीबत है, जब मामा चिरौंजी सच बोलता है तो दुनिया उसको झूठ मानती है। एक बार तो मेरी बात को सच मान लो और कल बारात की तैयारी करो। मामा चिरौंजी लाल, कल में बहुत वक्त है मामा चिरंजी लाल, मैं आज ही तुम दोनों की बारात निकालता हूँ। हाँ।
जानते नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा है। तुम्हें अकल देने की जरूरत नहीं, एसीपी हमारे कोई घसियारा नहीं। जो हरकत आप कर रहे हैं उससे तो आप घसियारे ही नजर आ रहे हैं। शट अप। कौन है? क्या बात है? विजय सक्सेना कहाँ है? हमारे दिल में। बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो, कहाँ है वो? आइए अंदर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? हमारे एक एक आदमी को मारता जा रहा है और तुम होके। तो क्या करूं? गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए नटवरलाल जी। 7 साल जेल में रहने के बाद वो सारे दाव पे सीख गया है। कल का मामूली प्रोफेसर आज शेर बन गया है। तो तुम क्या चाहते हो? उस शेर के डर से मैं बकरी बन जाऊं और अपने बेटे को चूहा बना दूं? वक्त का तकाजा तो यही है कि कुछ दिनों के लिए आप कहीं आए जाए नहीं। मेरी मानिए तो मुझे भी अपने गाँव जाने दीजिए और आप अपने गाँव चले जाइए। सही कह रहे हैं खैराती लाल जी। अपनी नसीहत अपने पास रखो फड़के। अगर मेरी बाई आंख फट गई ना तो मैं तुझे एसीपी की कुर्सी से उतार कर हवलदार की बेंच पर बिठा दूंगा, समझे? मैं तो आपके घर का कुत्ता हूँ, जहाँ चाहे बांध दीजिए। तो फिर जा किसी कोने में और दूम दबा के बैठ जा, जा। नटवरलाल जी, ये विजय सक्सेना वही चक्रव्यूह रचा रहा है जो हमने 7 साल पहले रचाया था, अंधे कानून का। कानून अंधा, अदालत है बहरी, है झूठिया हर गवाही, कि जिसने शराबत सिखाई उसी की शराबत पे तोहमत है आई। किताबों कलम इल्म का हाथ देखो, किताबों कलम इल्म का हाथ देखो, कैसे तलवार बन गया फूल ये अंगार बन गया, फूल ये अंगार बन गया। दोस्तों, आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब लोग यहां जस्टिस चौधरी की रिटायरमेंट पर इनको खास सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जस्टिस चौधरी की जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। इंसान गलतियों का पुतला है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर गलती कर देता है, लेकिन जस्टिस चौधरी एक ऐसी नायाब हस्ती है जिन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की। चाहे इनकी झोली को दौलत से भरने का लालच दिया गया हो, चाहे इन्हें या इनके बीवी बच्चों को बाहर डालने की धमकी दी गई हो, लेकिन ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पर अड़े रहे। गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। साथियों,
आपको यकीन होगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है, लेकिन मेरा जमीर जानता है कि मैंने एक गलती की है। मैंने एक बेगुनाह को गुनाहगार ठहराया और एक गुनाहगार को छोड़ दिया। मैं जस्टिस चौधरी तमाम दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकबाल करता हूं, इसलिए जज जो दूसरों को सजा सुनाता है खुद सजा का हकदार है। लेकिन आज अपने माथे पे लगे उस कलंक को, उस धब्बे को मैं मिटा दूंगा। मैं मिटा दूंगा नटवर तेरे बेटे काली के खून से। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे 7 साल पहले करना चाहिए था, इंसाफ। रुक जाइए जज साहब। पहले आपने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, आज वही फिर करने जा रहे हैं। यह कानून का नहीं, मेरी बहन का कातिल है। यह आपका नहीं, मेरा मुजरिम है, और इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। चल, कहाँ ले जा रहा है मेरे बेटे को? ऐसी जगह जहां मौत इसके सामने होगी और इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल, बचाओ, ये बहुत मारेगा मुझे, बहुत मारेगा मुझे। ये क्या कर रहे हो? जिस तरह तूने मेरी बहन के जिस्म से बोटियां नोची थी, आज तेरी भी बोटियां नोची जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के मरेगा तू। नहीं 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 नहीं, जैसे मेरी बहन मरी थी। यहां मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? सरकार ने पाबंदी लगाई है कि इंसान जानवर का शिकार ना करें, लेकिन यह पाबंदी नहीं लगाई कि जानवर इंसान का शिकार ना करें। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। सर, 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 मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। Yeah.
पी रहा हूँ, लुटी जिंदगी इस कदर के मैं मरता रहा हूँ मगर जी रहा हूँ। मैं लुटने के गम में जला इस तरह के, मैं लुटने के गम में जला इस तरह के, मौत का यलहार बन गया, भूल ये अंगार 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 बन गया। काली काली ये क्या हो गया मेरे बेटे को, ये क्या हो गया मेरे बेटे को, कसम है तेरे खून की बेटे, अगर मैंने खून की नदियां न बहा दी तो मेरा नाम भी नटवर नहीं है। माथुर सर कभी लेट नहीं होते, पता नहीं आज क्या हो गया। मैं भी वही सोच रहा हूँ यार। ए, तेरे कमीज में खून कैसा? खून? अरे हाँ यार, अरे ये खून तो तेरी कमीज में भी है यार। ये कैसे? तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते नटवर ने अपने हाथ से बंद कर दिए हैं। आज नटवर नाचेगा, मौत बनकर तांडव नृत्य करेगा। तूने क्या कर डाला विजय, अपने बदले की आग में इन बेगुनाहों की जिंदगियां ले डाली। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे बेटे। गुनाह अभी तक हुआ नहीं, हो जाएगा। अगर तूने मेरे बेटे लॉरेंस और उसके दोस्तों के खून का बदला ना लिया तो जीसस तेरे साथ है। विजय सक्सेना, सदानंद गुरुबच्चन और कालीचरण, इन सब के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तो जिंदगी और मौत का फैसला तुम करेगा? अपने आप को गॉड समझने लगा है? चला गोली। ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? जिसका जवान बेटा वक्त से पहले मार दिया जाए वो माँ पागल ही हो जाती है। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। Oh.
आइए सरकार। हटो हटो हटो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, नटवर से टकराने वालों का नहीं कोई नामोनिशान होगा। बड़ी मुश्किल से सोया है, सोने दीजिए, कहीं आपकी लोरी सुनकर जाग गया तो फिर से महाभारत शुरू कर देगा। अरे बेवकूफ, मुर्दे भी कभी जागा करते हैं क्या? नूर हक मेला ही को बुझा सकता है, तो जिसका हामी हो खुदा उसको मिला सकता है। तुम तो मर गए थे, जिंदा कैसे हो गए तुम? मारने का काम शैतान का और बचाने का काम भगवान का। तू जिंदों को मुर्दा कर सकता है और वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, क्योंकि भगवान ने तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है और उन्हीं की ये मर्जी है कि तुम लोगों की चिताएं जले, और आज मैं तुम लोगों की चिताएं जला के रहूंगा। नेक काम में देरी क्यों? इनके पाप का घड़ा भर चुका है, फोड़ दो ये लो लकड़ी। करती लाल, मैं बहरा हो चुका हूं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रुक जाओ, इन बेगुनाहों की जान ली है तूने, तेरे सारे गुनाहों का हिसाब आज मैं करूंगा। गणपति जी, मुझे बचा लीजिए, वरना हम जैसे कमीनों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। राम जी मुझे बचा लीजिए, प्लीज हेल्प मी। सॉरी भगवान, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे बचा लीजिए। शिव जी, तुम्हारे पैर पर, तो मुझे बचा, आप दोनों मिलकर मुझे बचा लीजिए। कमिश्नर साहब, मुझे बचा लीजिए कमिश्नर साहब, ये विजय शक्ति ने मुझे मारने लगा। तो मर जाओ, उतार ई वर्दी। जल्दी उतार ई वर्दी। वर्दी
अब तुम पुलिस वाले नहीं रहे, हम चलता हूँ। सुनिए, देखिए, वो मुझे मार डालेगा। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम अंधा हूँ, हम अंधा कानून हूँ, हम अंधा कानून हूँ, हम अंधा। सुनिए, वो मुझे मार डालेगा, सर मत जाइए प्लीज, सर मत जाइए, वो मुझे मार डालेगा सर। मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, वो छोड़ दे मुझे, मुझे माफ कर दे। Oh!